इस प्रकार से तिल के लड्डू मेरे बन गए हैं। आप भी तिल के लड्डू बनाएं और खाएं। हैप्पी संक्रांति, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तिल के लड्डू। तिल के लड्डू बनाने के लिए हम सफ़ेद तिल 250 ग्राम लिए हैं और गुड़ लगभग 200 ग्राम लिए हैं, एक चम्मच घी लिए हैं और थोड़ा सा पानी लिए हैं। एक दो चम्मच पानी भी गुड़ को मेल्ट होने के लिए डाला जाता है। अब हम तिल को भून लेंगे। आइए तिल को भूनते हैं। अब हम तिल को भून लेंगे। तिल को हम दो बार में भूनेंगे तो अच्छी तरह से भुनाएगा। इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो अंदर से ये जल जाता है। तिल का कलर चेंज होने लगा है, देख सकते हैं। और अब ये थोड़ी देर में भुना जाएगा। तिल को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, ज़्यादा भूरा नहीं करना है। थोड़ा सा और हम भुनेंगे और अब ये भुना जाएगा। और अब ये तिल मेरा भुना गया है, ये हल्का हो गया है भुनने के बाद। और इसे हम इस तरह से भी ये मसलने से मसल जाता है। अब ये भुना गया है, इसे अब हम थाली में रख लेंगे। बचे हुए तिल को भी हम डालकर भून लेंगे इसी तरह से। सभी तिल को हम भून कर रख लिए हैं थाली में और अब हम गुड़ को पिघलाएंगे। अब कढ़ाही में हम डालेंगे एक चम्मच घी। और अब गुड़ को भी डाल देंगे। यहाँ हम गीला गुड़ लिए हैं, आप ढेला गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे कद्दूकस करके या काट कर हम यहाँ पर गीला गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और थोड़ा सा इसमें पानी भी डालेंगे। और अब इसे पिघलाएंगे। और अब चाशनी बनने लगा है, गुड़ में झाग बन गया है, आप देख सकते हैं। इसे हम पानी में डालकर देख लेंगे। अभी ये अच्छी तरह से नहीं तैयार हुआ है। थोड़ी देर चलाने के बाद इसे फिर से हम पानी में डालकर देख लेंगे। और अब ये कड़ा हो गया है, अब ये लड्डू बनने के लिए तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें भुने हुए तिल को डालेंगे। अब हम तिल को डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे।
इसमें आप खोवा भी मिला सकते हैं और मूंगफली के दाने को भी मिला सकते हैं। यहाँ पर हम केवल तिल के ही लड्डू बनाएंगे। थोड़ा सा ठंडा होने पर इसका लड्डू बनाएंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो फिर लड्डू नहीं बनते हैं। अब हम लड्डू बनाएंगे। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाकर तिल के लड्डू को बनाते जाएंगे। ऊपर से ही तिल हम लेंगे, नीचे ज़्यादा गर्म रहता है। इस तरह से हम सारे लड्डू को बना लेंगे। इस तरह से सभी लड्डू को हम बना लिए हैं। ये गरम गरम ही बनता है। इस प्रकार से तिल के लड्डू मेरे बन गए हैं। आप भी तिल के लड्डू बनाएं और खाएं। हैप्पी संक्रांति। धन्यवाद।